यूपी विधान परिषद में दो सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहे हैं, तमाम विधायक वोट डाल रहे हैं और जनसत्ता पार्टी के अध्यक्ष और विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, उन्होंने भी अपना वोट डाला। आज ही जो उपचुनाव हो रहा है, आपने भी वोट डाल दिया है। बीजेपी कह रही थी कि बहुमत उनके पास है, सपा के पास बहुमत नहीं है, चुनाव कराकर कहीं कहीं पैसे की समय की बर्बादी करा रहे हैं। नहीं, बहुमत तो है ही, सरकार चल रही है तो बहुमत है, इसमें कोई प्रश्न तो है नहीं, इसमें कोई सवालिया निशान भी नहीं है। परिषद का उपचुनाव आप भी जानते हैं कि सारे विधायक मतदान करते हैं एक व्यक्ति को, यानी कि दो उपचुनाव हैं तो हर विधायक ने दो दो मत दिए हैं अलग अलग प्रत्याशियों को, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत होगी। तो ऐसे में कभी चुनाव हुए नहीं है, कोई परंपरा नहीं रही है ऐसे चुनाव होने की। आप ही मानते हैं कि कहीं ना कहीं समय की, पैसे की, क्योंकि चुनाव हो रहा है तो जरूर अनावश्यक। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज पर लोग आएंगे। अखिलेश जी, उनकी अपनी विचारधारा है, वो क्या कह रहे हैं उसके लिए हमसे मत पूछिए। हमारे विचार से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीतेंगे, या जो भी सत्ता दल के प्रत्याशी होते हैं वो उपचुनाव में जीतते हैं, इसको आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। आपकी पार्टी का नाम जनसत्ता पार्टी, इसका साथ किसके रहा इस उपचुनाव में? हमसे वोट मांगा। आपसे किसने वोट मांगा? हमसे मानवेंद्र सिंह जी और पदम सिंह चौधरी जी ने वोट मांगा। तो सपा की ओर से तो अपील हो रही थी, चिट्ठी लिख लिख के, आपसे नहीं किसी ने वोट मांगा? की अपील पहले हो गई थी, इन्होंने बात करा, अपना वोट मांगा, तो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मतदान किया। सवाल यह है, आपने मतदान किया है, रुख भी आपका कहीं ना कहीं, लेकिन जब 2024 के इलेक्शन होंगे, लोकसभा के जो चुनाव होंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, आप भी खुद राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देश में तमाम चीज़ों की बात करें, क्या माने कि राजा भैया बीजेपी के साथ जाएंगे और इस बार जो इलेक्शन होगा कहीं ना कहीं गठबंधन में साथ होंगे? अभी इस दिशा में दल की तरफ से कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, समय भी है, जब होगा निर्णय तो बिल्कुल हम लोग। कोई ऐसा तो नहीं कि आप अकेले लड़ेंगे, ऐसा आपने तो ठाना नहीं? अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जब कोई निर्णय होगा तो बिल्कुल हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद। देखिए, बिल्कुल रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों ने उनसे वोट मांगा और उन्होंने वोट किया है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से बहुमत ना होते हुए भी समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे, वो कहीं ना कहीं समय की बर्बादी है और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से कहें तो अनावश्यक रूप से उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए हैं। ये जो आज इलेक्शन और आपने भी वोट डाला है जी, जिस तरीके से सपा कह रही थी अंतरात्मा की आवाज़ पर, बीजेपी के हमारे पास नंबर है, आपका रुख कैसा रहा? देखिए, सबसे पहले तो हमको समझ लेना चाहिए कि परिषद का ये उपचुनाव हो रहा है, एक माननीय सदस्य का निधन हो गया और एक माननीय सदस्य महामहिम राज्यपाल बन के गए हैं, तो स्वाभाविक रूप से जब सत्ता के एक MLC की संख्या कम होती है, चुनाव होता है, तो जिसके पास बहुमत है उसी का औचित्य, इसमें चुनाव का कोई औचित्य हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, बल्कि सब लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन तो कोई भी लड़ सकता है, खुद अखिलेश यादव ने कहा कर नहीं, नहीं, लड़ने में कोई कानूनन मनाही नहीं है, अवैधानिक नहीं है, लेकिन कभी हुआ नहीं था इस तरह। आपका साथ वहीं जा रहा है जो बात हम एकदम स्पष्ट कर दे रहे हैं, हमसे जिसने वोट मांगा उसको हमने वोट दिया, मानवेंद्र सिंह जी और पद्मसेन चौधरी जी ने हमसे वोट मांगा, उन्हीं को वोट देके आ रहे हैं। वो ट्वीट कर रहे हैं अखिलेश यादव, कह रहे हैं कि कार्यवाहक DGP हर बार नियुक्त हो रहा है। देखिए, अभी ये उनसे पूछिए, हमसे हमारे मतलब की बात पूछिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्या लड़ाना नहीं चाहिए था इस उपचुनाव में उनको, क्योंकि परंपरा आपने लंबे समय से विधायक, बात परंपरा की ही नहीं है, बात औचित्य की भी है कि मतलब जब पूरी संख्या है, इतने प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार है, तो उपचुनाव में कैसे जीत जाएंगे, कोई मतलब नहीं। ठीक, बैंकिंग हो रही है, बीजेपी तो कह रही है नंबर है, सपा के पास नंबर नहीं, फिर भी वो कह रहे हैं कि लोग देंगे। समाजवादी पार्टी ऐसे ही आशाओं में जिंदा रहती है, वोट रहने गए उम्मीदों पे उनकी पार्टी चल रही है, इसलिए उम्मीद करते रहेंगे, अंत में परिणाम वही आना है जो उन्हें मालूम है कि उनके कैंडिडेट जो जिसको फालतू लड़ा है वो हार जाएंगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि यूपी में हमेशा कार्यवाहक DGP मिल रहा है, इस बार फिर उन्होंने कार्यवाहक DGP को ही लेकर ट्वीट किया। प्रक्रिया है, प्रक्रिया में समय लगता है, DG हमेशा अच्छे DG रहे, उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे अफसर हैं, बहुत अच्छे अधिकारी बनेंगे, उसमें कोई बात नहीं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।